जितने भी नए लोग जुड़े हैं इस मीटिंग के लिए, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, मैं इंट्रोडक्शन करा के देता हूं। मेरा मेरा नाम है संदीप कोठवल। मिसेस योगिता के साथ मैं इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं, और आज आप इकट्ठा हुए इस मीटिंग के द्वारा। जिस किसी व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है, उस मीटिंग में आप आने वाले 30 to 40 मिनट्स अगर आप कॉन्सेंट्रेट देखे एक प्रेजेंटेशन देखते हो, तो ये प्रेजेंटेशन पूरी जिंदगी बदल सकता है आपकी। वो कैसे बदलेगी, क्या होगा, जो आपके मन में सवाल है उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रखिए और 30 to 40 मिनट्स फोकसफुली इस प्रेजेंटेशन को देखिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि कुछ पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आए, तो आपके पास डायरी पेन होगा, उसके ऊपर आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि वो बाद में आप जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ में आप डिस्कस कर सकते हो। यस दोस्तों, मेरा प्रोफेशन अगर देखा जाए, इस बिजनेस में आने से पहले मैं मल्टी बिजनेसेस करता था। जब मेरे एक ट्रैवल इंडस्ट्री से मैं सब 15-16 साल से जुड़ा हूँ, जिसमें मेरे पास 4 से 5 कारें थी कि मैं कंपनी के लिए और कॉल सेंटर या ओला उबेर के लिए काम करता था। उसके साथ में कार वॉशिंग सेंटर चला रहा था, रिटेल स्टोर भी था मेरा, और मिल्क की एजेंसी थी। ऐसे 4 बिजनेसेस एट ए टाइम में रन कर रहा था इस बिजनेस में आने से पहले। तो ऑलरेडी बिजनेस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, 15-16 साल का। तो ये एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा काम आया इसमें। और एक बात समझ आई मुझे, जो व्यक्ति ने मुझे बिजनेस दिखाया था वो मेरे मित्र थे, मकरंद एंड अश्विनी धांधरफले। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, तब समझ नहीं आ रहा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब धीरे धीरे मैं समझना चालू किया, तो आज मेरे लाइफ में वो चेंजेस होते जा रहे हैं, और भी मैं सीख रहा हूँ उनके उनसे ये बिजनेस कैसे करना है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आज तक का जो मेरा जर्नी है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप ये प्रेजेंटेशन देख के इस मीटिंग का मेरा आज यहाँ पे जो उद्देश्य है वो एक ही है। इस मीटिंग में एक भी व्यक्ति ने आज डिसीजन लिया इस काम को करने का, और उसके लाइफ में भी मैं बदलाव ला सका, तो ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ा ये मीटिंग का बेनिफिट होगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हम सबसे पहले, देखिए आज हम यहाँ पे बात करेंगे मनी के लिए, पैसा। आज आप ऑलरेडी पैसा बना रहे हो सभी लोग, आप आपके प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप और सक्सेसफुल होना चाहते हो? यस, ऑब्वियस। मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को देखने के पहले मैं मेरे बिजनेस में सक्सेसफुल था, लेकिन मुझे और सक्सेसफुल होना है क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप देखिए कोई भी काम शुरू हम करते हैं तो उसमें दो सवाल हमारे मन में आते हैं। पहला सवाल होता है इस काम को क्यों करना है, और दूसरा सवाल होता है इस काम को कैसे किया जाए। ये दो ही सवाल हमारे मन में होते हैं, लेकिन आज आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है, उस व्यक्ति ने आपको एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिसमें उनको एक भी रुपए की आपसे अपेक्षा नहीं है, एक भी रुपए नहीं चाहिए, बराबर है। तो वो आपके जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये प्रेजेंटेशन में इन्वाइट किया है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट कौन सा लगता है, इस काम को क्यों करना इंपॉर्टेंट है या इस काम को कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट लग रहा है? यस, यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट देंगे वाई को, क्यों करना है। इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, अगर आप मुझे कहां से भी सुन रहे हो, मैं आपको कल बॉम्बे बुलाता हूँ। यस, मेरे सामने भी कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं उनको भी सवाल करता हूँ कि अगर मैं बदलापुर बॉम्बे में रहता हूँ, आप जहां पे भी हो, कल सुबह उठ के मेरे पास अगर 10 बजे आना है, मैं बुला रहा हूं, तो क्या आप आने के लिए तैयार हो? पहला सवाल क्या पूछेंगे मुझे, क्यों आना पूछेंगे क्या, कैसे आना है पूछेंगे? आपको रीजन पता होना चाहिए मैं क्यों बुला रहा हूं आपको, बराबर है, तभी तो आप। यस, ऑब्वियस। यस पत्रा सर, वाई? डेफिनेटली, आप जहां पर भी हो वहां से दूसरी जगह जाने के लिए भी आपको रीजन चाहिए। मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर आप भी आपके लाइफ में एक एडिशनल इनकम सोर्स देख रहे हो, तो उसके लिए भी जरूरी है आपको वो क्यों चाहिए। अगर क्यों आपका क्लियर नहीं होगा, तो हाउ के बारे में सोचिए मत। वही एग्जाम्पल को मैं आगे लेके जाता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि मैं अगर आप कल सुबह मेरे पास आते हो, तो आपको 50 लाख रुपीज पर पर्सन मिलने वाला है। अभी आप मुझसे सवाल करेंगे कि कैसे आना है? नहीं, आप जो भी आपको मिलेगा वो साधन पकड़ के आ जाएंगे। आप बस से आएंगे, रिक्शा से आएंगे, टैक्सी से आएंगे, प्लेन पकड़ के आएंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि वहां पे जाने के बाद क्या मिलने वाला। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपको कि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। आज आपके जो प्रोफेशन से, वो प्रोफेशन से आप सेटिस्फाई हो क्या?
या और लाइफ में पैसा चाहिए? अगर लाइफ में और पैसा चाहिए तो किस लिए चाहिए आपको? इस बिजनेस में आने के पहले मेरे भी ऐसे कुछ रीजंस थे। सबसे पहला था फाइनेंशियली फ्रीडम। क्या आज हम कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली फ्रीडम है क्या? यस, ऑब्वियस नहीं है। मैं भी होना चाहता था, ये मेरा पहला रीजन था। दूसरा रीजन था बेटर लाइफस्टाइल, क्योंकि जो लाइफस्टाइल में एंजॉय कर रहा था वो लाइफस्टाइल में जी नहीं रहा था। मैं देख रहा था लेकिन वो जी नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे इनकम सोर्सेस वो मुझे अलाउ नहीं करते थे वो पूरा करने के लिए। दूसरा सबसे मेरा सपना था क्या, ट्रैवलिंग करना। मैं खुद ट्रैवल बिजनेस में हूँ लेकिन आज तक एक भी अलग कंट्रीज में नहीं गया हूँ। मेरे जैसे आपके भी कुछ सपने हो सकते हैं। नए घर में जाना, आज घर तो खुद का है लेकिन नया अपना और बंगलो हो, आपके भी सपने हो सकते हैं। कार बिजनेस के होने के बावजूद मेरा लग्जरी कार का सपना है, उसमें से एक सपना मेरा पूरा हो गया। यस ऑब्वियस। सिक्स्थ, ऐसे बहुत सारे सपने थे। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये बेसिक सपने होते हर किसी के, जो मेरे भी थे लेकिन मेरा प्रोफेशन मुझे अलाउ नहीं करता था ये देखने के लिए। ये आपके साथ भी हो सकता है। यस, अभी के टाइम में आप देख रहे हो तो बेटर एजुकेशन, बराबर ये भी एक सपना बन गया आज, क्योंकि आज देख रहे हो आप मार्केट में पढ़ाई के लिए कितना पैसा पे करना हो रहा है, तो ये भी एक सपना है। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे? यस भाई, एक अदर ड्रीम। यस, लेडीज है तो ज्वेलरी का एक सपना होता है कि हमें शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग टाइप की ज्वेलरी हो या ड्रेसेस हो या जो भी है, आप जो चीजें चाहते हो वो आपको मिले। शॉपिंग करना लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे सपने हो सकते हैं, इसके अलावा भी आपके पास सपने हो सकते हैं। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये अगर नहीं है तो आप मतलब कैसे करना इसके बारे में सोचेंगे नहीं, बराबर? यस डेफिनेटली। अभी ये तो कुछ सपने मिल गए हमें, क्यों करना है ये क्लियर हो गया, अभी इससे ये रास्ते पूरे होने वाले। अभी समझते हम कि कैसे करना है, बराबर? तो थोड़ा पैसा कैसा जनरेट होता है इसके बारे में अगर हम सोचते हैं, तो ये मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, एक रॉबर्ट कियोसाकी एक ऑथर है, उन्होंने उनके बुक में रिच डैड पुअर डैड, ये बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कुछ फोर कॉर्नर्स, उनको हम कहते हैं, ये देखिए ESBI, ये चार सोर्सेस है पैसा बनाने के मार्केट में, बराबर? पहला सोर्स है नौकरी। हम दूसरों के पास हमारा नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट में कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट में कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड। यस, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या हो रहा है, आज जितने भी मार्केट में बिजनेस करने वाले लोग देख रहे हैं, जो खुद के बिजनेसेस कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर्स है, एडवोकेट है, कुछ प्रोफेशनल्स पीपल है, उसके साथ में फार्मर्स है, या जो भी शॉपकीपर हम देख रहे हैं, ये सभी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड में, बराबर? तीसरी कैटेगरी है दोस्तों बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर ये कौन लोग होते हैं, जिनके पास हजारों से ज्यादा लोग काम करते हैं, बराबर? आज सोचिए आप, हजारों से ज्यादा लोग उनके पास काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हम देखते हैं। आज आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके कंपनी का मालिक भी यहाँ पे, बराबर है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो। यस, और चौथी कैटेगरी दोस्तों इन्वेस्टर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आज इन्वेस्टर क्या करते हैं, अभी एक प्लॉट लिया उन्होंने, वो प्लॉट में सब उसको एनए कर लिया। एनए करने के बाद एक टीम, मतलब जो कड़िया काम करते हैं या लेबरर का काम करते हैं, उनसे लेके एक आर्किटेक्चर तक एक टीम बना के वो बिल्डिंग बनाते। आपने किसी बिल्डर को खुद देखा है कि ईंट के ऊपर ईंट रखता है, वो खुद करता है काम? नहीं करता है। लेकिन क्या हो रहा है, वो एक टीम बना के काम कर रहा है, वहां पे सिर्फ उसका पैसा लगा होता है, पैसा डाल के पैसा कमाना जानते, बराबर? ये चार सोर्सेस है दोस्तों पैसा कमाने के। हम कौन से सोर्स में आते हैं, यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये है लेफ्ट सोर्स, ये है राइट सोर्स। हम कौन से साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? ऑब्वियस है, हम सभी लोग आते हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि आज आप देखोगे दुनिया भर के 95% लोग जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो बचे हैं 5% वो इस प्रकार काम कर रहे हैं। लेकिन आज के हालात अगर आप देखते हो तो 95% लोग 5% पैसा बना रहे, और 5% लोग 95% बना रहे। ऐसा क्यों होता है? बहुत बार मैं तो बचपन से सुनते आया हूं, मेरे माँ पिताजी भी यही कहते थे कि संदीप अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा नौकरी लगेगा। सर यू बोर्ड इज विजिबल बट व्हाट यू आर राइटिंग इज नॉट विजिबल। ओके, यस राइट नाउ
ओके अजय पत्रा सर, ओके यस ग्रेट। सो मैं कहाँ था, बचपन में हमारे हर घर में यही शिक्षा हमें मिल रही है कि अच्छा पढ़ाई करो अच्छा जॉब मिलेगा, बराबर है। तो इस सेक्टर में आने के लिए हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन ये सिखाया जाता है कि आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो या बिजनेस मन बन सकते हो, 5% में जानने के लिए कोई सिखाता नहीं है दोस्तों, बराबर है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं आपसे पूछूंगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा फर्क क्यों है कि कुछ लोग कम पैसा बना रहे कुछ लोग ज्यादा पैसा बना रहे, इसमें अगर आप देखते हो डिफरेंस तो एक ही डिफरेंस है, इन लोगों का काम करने का तरीका और इन लोगों का काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। यहाँ पे अगर हर व्यक्ति हमारी सोच और हमारे काम करने का तरीका अगर बदलता है तो आने वाले समय में आप भी लेफ्ट से राइट में आ सकते हो। यस, जब मेरे दोस्त ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई तो मैं पहले तो इसको समझ नहीं पाया, लेकिन समझ आने के बाद एक ही चीज समझा, पहला था टाइम और मनी, ये डिफरेंस मैं कभी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आप भी सोचिए, आप जो भी कोई जॉब कर रहा है कोई खुद का बिजनेस कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा अगर टाइम दे रहे हैं हम हमारे प्रोफेशन में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 8 आवर्स अगर आप आपके बिजनेस में दे रहे हो और एक अमाउंट आपको आ रही है, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके 8 घंटे अगर आप जॉब कर रहे हो आपको सैलरी आ रही है, क्या आप इसमें सेटिस्फाई हो? अगर नहीं हो तो इससे ज्यादा पैसा अगर आपके लाइफ में चाहिए तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि किसी कंपनी में ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम फैसिलिटी बंद भी बहुत सारी जगह पे बंद है। मतलब क्या है कि अगर आपको और पैसा बनाना है तो पार्ट टाइम में कुछ काम करना होगा दोस्तों, बराबर है। इसका मतलब क्या है, जब तक आप आपका टाइम इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आपका पैसा इंक्रीज नहीं होगा, बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सोचिए कि आपके पास मैक्सिमम दिन भर में टाइम कितना है, ऑब्वियस सबके पास है 24 आवर्स, बराबर है। और अगर 24 आवर्स हमारे पास लिमिट है तो हमारे इनकम पे भी लिमिट आने वाली है। यस, तो ये पहला ड्रॉबैक है ये दो डिफरेंसेस की वजह से। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा ड्रॉबैक क्या आ रहा है, दूसरा है हम पैसे कैसे बना रहे। आज जो भी आपने डिग्री ली है लेकिन वहां पे जाके हम काम कर रहे, अगर हम काम करना बंद कर दे आने वाले 2 से 3 महीने तो क्या होगा? यस, पैसा नहीं आएगा। मतलब क्या है, आप काम करना बंद करोगे तो आपका इनकम बंद हो जाएगा। यस, ये लॉकडाउन में हम सभी ने देखा है प्राइवेट में कितने जॉब जा रहे हैं, बिजनेसमैन क्या हो रहे हैं, आज होटल इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी खराब हुई। क्यों होगी? क्योंकि काम करेंगे तो पैसा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। ये दो रीजन की वजह से ये डिफरेंस ऐसा चल रहा है। आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों। देखिए, हर व्यक्ति आज जितने भी लोग मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है और हर व्यक्ति लाइफ कभी तो इस जिंदगी को छोड़ के जाने वाले, तो ये हमारी लाइफ है। हर व्यक्ति ने उसके जन्म लेने के बाद में 18 से 25 साल के उम्र में पैसा कमाना स्टार्ट किया, बराबर है दोस्तों। यस, और ये कितना काम करने वाले हैं हम हमारी लाइफ में, गवर्नमेंट भी आप जॉब कर रहे हो तो 58 या 60 इयर्स में हमें रिटायर करने वाले हैं। आज की लाइफ अगर हम देख रहे हैं तो 80 से 90 साल की हमारी लाइफ है, उससे ज्यादा मुश्किल से उसके पहले ही जा रहे आज के लाइफस्टाइल की बोल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, हर व्यक्ति आज आप मैं आपको पूछता हूँ, आप दिन भर में कितना घंटे काम कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? यस, आप चैटिंग में मुझे भेज सकते हो, दिन भर में ज्यादा से ज्यादा कितना घंटा काम कर सकते हो? ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति है 10 से 12 घंटे काम करता है। अगर रेगुलर अगर आपको काम करना है तो मैक्सिमम 10 आवर्स, आप 10 आवर्स काम करते हो पूरे वीक में, कितने दिन काम करोगे? 6 डेज, बराबर है। अगर 6 डेज आप काम करते हो तो 60 आवर्स पर वीक का आपका कैलकुलेटर, बराबर है। आप सोचिए, ये 60 आवर्स पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 वीक्स से तो आप एक साल में 3000 आवर्स काम करते हो, 3000 आवर्स। सोचो दोस्तों, ये करियर जो है हमारा 35 to 40 years, और इसी में हमें जो कुछ करना है ये 35 to 40 years में करना है,
अभी बहुत सारे लोग तो आज आधी जिंदगी जी चुके हैं करियर की। आप सोचिए कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिला कि जहां से आप ये सब की चीजें आपने अचीव कर ली। नहीं दोस्तों, तो ये अभी अचीव करना बाकी है आपको, तो कैसे करेंगे? अभी 3000 आवर्स आपके पास पूरे साल में हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 40 साल, तो आप पूरे जिंदगी भर में 1,20,000 घंटे काम करने वाले हो। मतलब ये लेफ्ट साइड में जो भी व्यक्ति है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, आप डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, आप फार्मर हो, खेती करने वाले लोग हो, या बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके पास मैक्सिमम 1,20,000 से लेके 1,40,000 ज्यादा से ज्यादा टाइम है पूरी जिंदगी में। ये हमें कहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है दोस्तों, लेकिन आज अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो पूरी जिंदगी का मतलब समझ में आएगा दोस्तों। यस, अभी मैं थोड़ा यहाँ पे रब करता हूँ ताकि आपको आगे लेके जा सकूं। यस ओके, तो ये हो गए लेफ्ट साइड। अभी राइट साइड वालों के पास देखेंगे थोड़ा हम, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर ये क्या करते हैं? ये शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि उनका टाइम कंपाउंड हो जाए, हजारों हजारों लोगों को काम पे रखते हैं। एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, उसके पास 1,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय जाके अगर उसके पास 8 आवर्स का भी काम कर रहा है, तो उसके लिए 8,000 आवर्स का काम एक दिन में हो रहा है, सोचो दोस्तों। और यही काम वो अगर साल में सॉरी महीने में, उसकी जो कंपनी है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन 20 दिन भी चलती है, तो उसके लिए 1,60,000 आवर्स का काम एक मंथ में हो रहा है, एक महीने में हो रहा है। सोचो दोस्तों इसके बारे में, जो काम हम पूरे जिंदगी में करने वाले हैं वो एक बिजनेसमैन एक महीने में कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अभी कौन अमीर होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? और मैं और एक चीज यहां पे ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं चल रहा है कि हम काम क्यों कर रहे हैं। बराबर है, ये कब पता चलता है? जब हम 10-20 साल नौकरी करने के बाद, यही जिंदगी चल रही है हमें, हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। एसपी वारियर सर हमेशा कहते हैं आपको जाना है बॉम्बे, लेकिन आप जिस रास्ते से जा रहे हो वो ट्रेन जाने वाली है दिल्ली। बराबर है, तो ये होता है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये समझ में आया तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। यस, आज मैंने भी यहाँ पे यही डिफरेंस समझाया आपको। आप डिसीजन ले सकते हो। हमें एक एग्जांपल दूंगा मैं, आपके नजदीक में एक ठेला होता है, बराबर है, एक ठेले पे सब्जी बेची जाती, ये 20 सालों से सब्जी बेच रहा है, बराबर है, और दूसरी जगह पे एक बिजनेसमैन ने क्या किया, हजारों दुकानों में सब्जी बेचना काम चालू किया, और इसको अभी सिर्फ 5 साल हुए है, ये 20 साल से सब्जी बेच रहा है। डिफरेंस क्या हो रहा है? ये आज भी सब्जी बेचता है अपने घर का महीने का खर्चा चलाने के लिए, और ये आज हजारों दुकानों डाल के सब्जियां बेच रहा है, वही सब्जी, लेकिन ये सब्जी बेच के 20 सालों में अमीर नहीं बन पाया है, लेकिन ये 5 सालों में आज अमीर बन क्यों बना? यस, बराबर है अक्षय राउत जी, रिलायंस वेजिटेबल मार्ट, क्या फर्क किया उन्होंने? उन्होंने किया टाइम और मैन पावर कंपाउंड। क्या आप भी आपका टाइम और मैन पावर कंपाउंड करना चाहते हो? तो इस अपॉर्चुनिटी से हम वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोई रास्ता है आपके पास जिससे आपका भी समय 24 घंटा से ज्यादा हो? मैंने भी ऐसे मेरे कई साल गवाए हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं मिला, लेकिन ये जब रास्ता मिला, मुझे समझ में आया, तो मैं बाकी सब मेरे बिजनेसेस को कम किया और इसके ऊपर फोकस किया, और आज का आपके सामने हूं। यस दोस्तों, ये आपके साथ भी हो सकता है। थोड़ा आगे और लेके जाता हूं मैं। यस, इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी पहचान करा के देता हूँ। जो इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आज बताऊंगा, वो इंडस्ट्री आज दुनिया भर में 60 से 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और इंडिया में 30 से 40 साल हुए आए, और 2016-17 में गवर्नमेंट ने उसको लीगल इंडस्ट्री डिक्लेयर किया। ये इंडस्ट्री कौन सी है दोस्तों? इसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये कैसे वर्क करती है ये किसको पता नहीं। यस, आज एक आप नए तरीके से समझोगे, हर व्यक्ति आज पैसा बना रहा है, कम बना रहा है, ज्यादा बना रहा है, कम कोई भी हो, हर घर में पैसा आ रहा है। सही बोल रहा हूं मैं? यस, आप सोचिए ये इनकम घर में आने के बाद क्या होता है, क्या होता है उस इनकम का? यस सही, एक तो एक्सपेंस हो रहे हैं, दूसरा है सेविंग हो रहे हैं, बराबर है।
एक्सपेंस ज्यादा है या सेविंग ज्यादा है आपके पास? एक्सपेंस ऑब्वियस, तो सबसे पास अगर एक्सपेंस ज्यादा है और ये एक्सपेंस में से भी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? मार्केट में, यस ऑब्वियस, लोन से, और उसके बाद दूसरा नंबर है मार्केट, जो हमारे डेली इसेंशियल्स के प्रोडक्ट हमें लगते हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है। आज अगर ये एक्सपेंस आप मार्केट में कर रहे हो और मार्केट की पोजीशन अगर आप देखा जाए, पूरे वर्ल्ड का अगर आप देखते हो, तो 93% लोग जो है वो कंज्यूमर से, एंड यूजर्स है, और 7% पीपल आर सेलर्स। आज आप ये, आपको एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आप जिस प्रीमाइसेस में रह रहे हो या जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, उसमें फ्लैट्स कितने और शॉप्स कितने? फ्लैट से 93% और शॉप से 7%, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो यही है कि हम सभी लोग एंड यूजर है। मेरी किराने की शॉप थी, लेकिन मैं कुछ चीजों के लिए मैं भी एंड यूजर था। मतलब हर दुनिया में अगर आप देखते हो तो हर व्यक्ति कंज्यूमर होता है। थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में हम देखते हैं कि हम कंज्यूमर से, आपके घर में आने वाले डेली इसेंशियल्स के प्रोडक्ट आप कहां से ले बाय करते हो? यस, कोई बता सकता है? मैं तो कोई रिटेलर से या डीमार्ट या कोई भी शॉप से लेता था। आप भी ले वहां से ही लेते होंगे। जो रिटेलर से आप सामान ले रहे हो, क्या वो सामान वो घर पे बनाता था या खुद बनाता था? नहीं, वो क्या करता था? होलसेलर्स होते थे। होलसेलर्स नहीं होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, सीएनएफ एजेंट्स होते थे, स्टॉकिस्ट होते थे, उसके बाद होते था मैन्युफैक्चरर। आज जो चीज आप 100 रुपए में परचेस कर रहे हो, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग 100 में होता है? नहीं, ये कितने में हो रहा है? मैक्सिमम 30-40% में। लेकिन ये हमें आ रहा है, हमारे पास आते आते उसकी प्राइस 100 रुपए हो जाती है, बराबर? तो ये 60-70% कहाँ जा रहा है? ये पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इसमें और एक मीडिया है, एडवर्टाइजिंग। तो ये सब में ये बांटा जाने वाला इनकम। आप मुझे बताइए, आपके घर में इनकम आ रही है? इनकम आने के बाद दो ही रास्ते, एक्सपेंस और सेविंग। सबसे ज्यादा है हमारे एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी सबसे ज्यादा खर्चा हमारा अगर मार्केट में हो रहा है, और मार्केट में मैक्सिमम पैसा अगर इनके घरों पे खर्चा हो रहा है, ये सब लोग कमा रहे, तो आप काम किसके लिए कर रहे हो? इन लोगों को बड़ा करने के लिए। आज जो भी हीरो कुछ लेके एडवर्टाइज कर रहा है, आज उसके घर में करोड़ आ रहे, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है हम नहीं देखने जा रहे, लेकिन आज वो प्रोडक्ट की बदौलत उसके घर में करोड़ों रुपए आ रहा है। क्या आपके घर में आ रहा है? नहीं। तो यही समझने वाली बात है दोस्तों, ये ट्रेडिशनल मार्केट में इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट एक ही व्यक्ति है, वो है कंज्यूमर। कोई भी बिजनेस करो आप एलआईसी एजेंट हो या और भी कुछ हो, ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर। सही बोलो, कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है बिजनेस साइड। यस, कंज्यूमर नहीं तो मार्केट नहीं। लेकिन ये कंज्यूमर को कितना बेनिफिट मिल रहा है आज मार्केट में, देखेंगे हम आने वाले इसमें। लेकिन मैं आज आपको ऐसा ये तरीका बता रहा हूं, आपके पास कुछ समय पहले कीपैड वाले मोबाइल थे, आज आपके पास स्मार्टफोन आ गए, तो आप अपने आप को चेंज किया। आपने भी किया, आपके सभी लोगों ने किया, आपके फैमिली मेंबर्स ने। अगर ये चेंज आप कर पा रहे हो, तो इसमें चेंजेस क्यों नहीं हो रहे, जिसमें हमारा 60-70% पैसा हम दूसरों को हर महीने लेके जाके दे रहे? सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर आप इसमें सोच पाओ तो डेफिनेटली बहुत काम होगा। क्या होगा यहाँ, इनको बाईपास करेंगे तो काम होगा या नहीं होगा? आज बहुत सारे लोग खेती बैकग्राउंड से है, जिनके कोई खेती करता होगा। आप सोचिए, खेती करने वाला पर्सन खेती से माल मार्केट में बेच रहा है, और वही मार्केट से हम परचेस कर रहे हैं, बॉम्बे पुणे में रहने वाले लोग, तो ये कितने में मार्केट में दे रहा है और यहाँ से हम कितने में परचेस कर रहे हैं? या खेती करने वाला आदमी आज अमीर बना है, या परचेस करने वाला अमीर बना है? अमीर बने कौन है? आज मार्केट में जितने लोग देख रहे हो, ये अमीर बने। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा, इनको बाईपास करके हमें वो मौका है कि हम खुद अमीर बन सकते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? यस, बराबर। कैसे अमीर बन सकते हैं? एक मैन्युफैक्चरर है जो हमें, मैन्युफैक्चरर है
जो हमें मदद करने के लिए तैयार है वो बोलता है मैं आपको डायरेक्ट देने के लिए तैयार हूं, क्या आप लेना पसंद करोगे? ऑब्वियस क्या होगा, 60 to 70% पैसा जो है सेविंग होगा। क्या आप पैसा बचाना चाहते हो? लेकिन पैसा बचा के आज तक कोई अमीर बना है क्या? नहीं, अमीर बने हैं बिजनेस करके। तो हमें भी बिजनेस करना होगा, देखो बिजनेस समझना होगा। ये बिजनेस क्या है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। आप जहां से भी आज परचेस कर रहे हो वो शॉप है, यहाँ पे मैं जिस शॉप की बात कर रहा हूँ ये शॉप है, क्या डिफरेंस होगा दोनों में? आज आप जहां से भी परचेस कर रहे हो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिलता है मार्केट से? डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं पकड़ता हूँ 2 से 5% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बराबर? यस। फ्री प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं आपके घर पे हर महीने? कुछ भी नहीं, चम्मच आ रहा है। ओके यस। कैशबैक, आज तक आपने परचेस किया, परचेस करते करते आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, कैशबैक भी नहीं आया। लॉयल्टी बेनिफिट कुछ मिला क्या? हम उनके लॉयल कंज्यूमर हो जाते हैं, सालों साल उनके पास से ला रहे, तो लॉयल्टी बेनिफिट कुछ मिल रहा है? दिवाली में उतना मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। इनकम, इनकम अपॉर्चुनिटी है क्या हमें? दुकानों से जो परचेस करके हम किसी को बेच सकते हैं तो इनकम जनरेट होगी, ऐसा कभी होगा? वो भी नहीं हुआ, वो भी चांस नहीं है। क्वालिटी की कुछ गारंटी है, जो भी आप परचेस कर रहे हो दुकानों से उससे कुछ क्वालिटी की गारंटी या उस एश्योरेंस मिल रहा है हमें? एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर मैंने स्टेशनरी शॉप से अभी परचेस किया, उसको यूज किया, इसकी इंक मुझे अभी पसंद नहीं आई, क्या कर सकता हूं मैं इसका? एक तो मुझे अभी वो यूज करना होगा, या तो मुझे पसंद नहीं आया तो उसको फेंकना पड़ेगा, दूसरा लेना हो, मेरे पास तीसरा ऑप्शन है क्या? आपके पास तीसरा ऑप्शन है नहीं? तो ये क्वालिटी एश्योरेंस भी हमें नहीं मिल रहा है, और उसके साथ में क्या आपको पक्का बिल मिलता है? यस, बहुत सारे लोग जब मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूं तो बोलते हैं पक्का बिल मिलता है, किसी मार्ट में जाओ तो मिलता है। मैं बोला डेफिनेटली मिलेगा आपको, लेकिन क्या आपका नाम होता है उसके ऊपर? ढूंढ के देखिए, लंबा चौड़ा बिल होगा लेकिन अपना नाम ढूंढे रह जाओगे। यस दोस्तों, ये नहीं मिलता है, बराबर? तो इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं कंज्यूमर को, और कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल मार्केट में। तो मैं आज आप यहाँ पे आपको कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनने का एक रास्ता बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी स्मार्ट कंज्यूमर बन गया, तो मैं अभी आपको एम्पावर कर रहा हूं, इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी को नाम दिया है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। यस, क्या होगा? सबसे पहले डिस्काउंट, हर प्रोडक्ट में आपको 10 to 20% का रिटेल डिस्काउंट मिलेगा, हर प्रोडक्ट में जो भी परचेस करो आप, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारी चीजें आज हमारे पास अवेलेबल है। यस, प्री प्रोडक्ट्स, एवरी परचेस आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, एवरी परचेस, जब भी आप परचेस करने जाओ दुकान में आपको 10% प्रोडक्ट मिलेंगे, या आप ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हैं। कैशबैक, जो बेनिफिट आज तक हमें किसी ने दिया नहीं है, यहाँ पे हमें 5 to 11% का कैशबैक आने वाला है दोस्तों। फोर्थ बेनिफिट, लॉयल्टी बेनिफिट, जो आज मेरा खुद का दुकान होने के बावजूद भी मैंने किसी को लॉयल्टी बेनिफिट नहीं दिया, आप सोचिए क्या आपको नहीं मिला? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपनी हमें बोलती है कि ये खर्चा अगर आपका हर महीने हो रहा है तो आप रेगुलर 4 महीने हमारे पास कीजिए, 1 महीना फ्री लीजिए। ऐसा चांस कभी मिला आप? नहीं। यस, इनकम अपॉर्चुनिटी, आज हमारे पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो मंथली आपके एक्सपेंसेस है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? आपके टर्नओवर में। देखिए, इनकम से यहाँ पे आपको 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिलने वाला। क्वालिटी, आज 100% गारंटी, अदरवाइज मनी रिफंड 30 डेज के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी खुद दे रही है। ओके यस। बिल, इनवाइस बिल मिलेगा दोस्तों आपको, CGST SGST पूरा वहां पे कैलकुलेशंस वाइज मिलेगा, आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका फोन नंबर होगा, आप उसको फाइल में एक्सपेंसेस भी करके रख सकते हो। सोचो दोस्तों, यहाँ पे आज हम कंज्यूमर होते हुए भी हमारा फेस ऐसा है, क्या आपकी स्माइली चेंज करना चाहते हो, कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहते हो? तो ये अपॉर्चुनिटी को हाथ पकड़ लो। ये कौन दे रहा है हमें, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इस कंपनी का नाम है दोस्तों वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड,
आज बहुत प्राउड फील होता है इस कंपनी का नाम लेने के लेने क्यों? क्योंकि आज इस कंपनी की बदौलत आज मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपके भी सपने पूरे होने वाले हैं। कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, शुरुआत हुई थी 2004 में। थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं, आज 2021 है, 17वां साल चालू हो गया है। आप समझ सकते हो कंपनी अभी यंग एज में आई है। आप सोचो 17 साल हुए कंपनी को, कई गली में मोहल्ले में चालू हुई कंपनी नहीं है। दिल्ली और बैंगलोर से शुरुआत की थी कंपनी ने, आज 10 कंट्रीज में पहुंच गई है। जो मैं अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हो। इंडिया में अगर बात करें तो 2 ऑफिस से शुरुआत की थी। आज कंपनी के पूरे इंडिया में 6,000 से भी ज्यादा शॉप्स है जहाँ पे आप फिजिकली जाके परचेस कर सकते हो, या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हो। और 6 डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत किया था। आज इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। आज प्रोडक्ट की बात करें, 10 प्रोडक्ट से उन्होंने शुरुआत की थी। आज कंपनी के पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट की कैटेगरी आप देखोगे तो होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, एग्रीकल्चर, ये सभी सेक्टर में अवेलेबल है। और दूसरी बात, इंडिया के जो टॉप मोस्ट ब्रांड है जैसे कि राजधानी, टाटा, बांसरी, ये सभी ब्रांड के 5,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे बेस्टडील शॉप में। ये बेस्टडील आज ऑनलाइन पोर्टल हमारे लिए बनाया गया है, और इसके माध्यम से आपके घर में जो भी ग्रोसरीज लगते हैं, जो भी कपड़े लगते हैं, मोबाइल लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस लगते हैं, जो सभी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आने वाले समय में आप किसी को पे कर रहे हो तो वो भी आपको आपका बिजनेस होगा। आप किसी फिल्म की टिकट परचेस करोगे तो भी आपका वो बिजनेस होगा। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें लेके जा रही वेस्टी। तो 2004 और 2005 पहले साल, यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर लिखता हूँ, फर्स्ट ईयर का कंपनी का टर्नओवर था 5 करोड़, 5 करोड़। और आज अगर आप देखते हो 2018 में 1,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर कर गई, 2019 में ये 1,850 करोड़ का टर्नओवर कर गई, 2020 में आज टर्नओवर करीबन 3,000 करोड़ का क्रॉस किया कंपनी ने। आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हो तो टॉप 100 में 30th रैंक है इस कंपनी का, और इंडिया की एकमात्र कंपनी। इसके लिए प्राउड फील होता है दोस्तों। जो हमारे लॉकडाउन में हमारे मोदी जी ने हमें कहा वोकल टू लोकल बन जाओ, तो ये हमें मौका है कि हम इस ब्रांड को, इंडियन प्रोडक्ट को आज पूरे इंडस्ट्री, पूरे ग्लोबली पहुंचा सकते हैं। टॉप 30 में आ रही दोस्तों, आने वाले समय में आप देखोगे टॉप 10 में भी होगी। और इंडिया में मुझे फख्र है इस कंपनी के बारे में बताने के लिए कि आज ये नंबर 1 पोजीशन के लिए। और ये कंपनी कहती है कि हमने तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको शॉप डालने की जरूरत नहीं, आप स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको स्टार्ट कर सकते हो। यस, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसा पैसा बनाएंगे, हम थोड़ी समय में देखेंगे। क्या आपको, मैं अभी आपसे पूछूंगा, क्या आपने येवले का नाम सुना है? येवले अमृतुल्य, यस, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जो बॉम्बे, पुणे या महाराष्ट्र के होंगे। बाकी बाहर से अगर हो आप तो आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ। येवले शॉप जो है ये पुणे में शुरुआत हुआ था। यस, आज येवले ने चाय की दुकान शुरू की पुणे में। और वो जब एक दुकान उसकी चलने लगी तो उसने क्या किया, उसके 2 ब्रांचेस अपने ही ब्रांचेस डाले, और वो 2 लोकेशन पे भी ब्रांच चलने लगी। तब तो उसने सोचा कि अभी मेरा बिजनेस बढ़ाना है और मैं वो बढ़ा सकता हूँ। यस, तो उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। आज अगर आप देखते हो तो येवले अमृतुल्य के पूरे महाराष्ट्र 1,000 ब्रांचेस बन गए। तो क्या किया इन्होंने, पहले ब्रांड बनाया, और वो ब्रांड बनाने के बाद अभी उसका टाइम और मैन पावर कंपाउंड किया। बराबर, आज उसके 1,000 शॉप्स है। आप सोचिए दोस्तों, 1,000 शॉप्स, एक शॉप्स कितना घंटा ओपन रहती है चाय की, मैक्सिमम 10 आवर्स। आज टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, उसके लिए 10,000 घंटे का समय दिन का बढ़ गया। और दूसरी बात, अगर एक शॉप उसको दिन भर में 100 रुपए भी अगर कमा के दे रही, तो आप इमेजिन कीजिए उसका दिन का इनकम 1 लाख रुपीज हो गया। क्या हमारे लाइफ में ऐसा कभी हो सकता है? ऑब्वियस हो सकता है, वेस्टेज के साथ तो जरूर हो सकता है। वही हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि ये हमारे टाइम और पैसा मल्टीप्लाई कैसे होने वाला है। तो यही एक जरिया है। आप अभी येवले का एडवर्टाइज आपके गली मोहल्ले में देखते हो क्या, आ जाओ येवले का चाय पीने के लिए आ जाओ,
इसका और एक एग्जांपल दूंगा, आपके मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन आपके गली मोहल्ले में कोई आया था, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, तो हमारे मोबाइल में आए कैसे? इस मार्केट को कहा जाता है रेफरल, रेफरल मार्केट। आज बहुत तेजी से जो इंडस्ट्री बढ़ी है, जो भी कंपनियां बढ़ रही है, ये सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ओला, ओला जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्या किया, आप वो राइड ले रहे हो, आपको अच्छी लगी तो आप अगर 3 दोस्तों को शेयर करते हो तो आपको नेक्स्ट राइड में आपको 50% कम मिलेगा, अगले राइड में 50% कम मिलेगा। तो यही है दोस्तों रेफरल, आपने वो 50% पाने के लिए 3 दोस्तों को एप्लीकेशन को सेंड किया था, बराबर। लेकिन इसका बेनिफिट उसके बाद हुआ आपको, वन टाइम बेनिफिट मिला, दूसरी बार मिला नहीं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जितने भी आपको रेफरल थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये वन टाइम मिल रहे हैं। और आज मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूँ, ये आपको लाइफ टाइम मिलने वाले। यस, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको लगेगा आधार कार्ड और ईमेल आईडी, फोन नंबर, मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देते हो तो आप बन जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको आप हो यहाँ पे, और आप सीधा वेस्टिज से जुड़ जाते हो। और यहाँ पे इस एजुकेशन सिस्टम का नाम लेने के लिए भी मुझे बहुत फक्र हो रहा है, क्योंकि आज आपके सामने एक ऐसा लड़का खड़ा है जो कभी ऑटो चलाता था, जो कभी ओला में गाड़ी चलाता था, जो कभी गाड़ियां धोता था, जो आप आज आपके सामने खड़ा है एज अ बिजनेसमैन, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। इस सिस्टम का नाम है विनिंग टीम। यस दोस्तों, विनिंग टीम हमें सिखा रही है एज अ आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो। अगर आपको कोई सिखाने के लिए तैयार हो तो आप सीखने की इच्छा रखते होगे, अगर आप सीखने की इच्छा रखोगे तो डेफिनेटली वो सब कुछ आपके साथ भी होगा, बराबर। यस, अभी मैं पूरा प्रेजेंटेशन जो कैलकुलेशंस है उतना नहीं करूंगा, क्योंकि आप पहली बार अगर देख रहे हो तो कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाएगी, आपको वो समझेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको इजिएस्ट वे से समझाता हूँ कि एक्चुअल में काम क्या होने वाला है और हमें काम क्या करना है। सबसे पहले हमें यूज, जो आज तक आप करते आ रहे हो वही काम करना है, यूज। यस, आज आप नहा रहे हो, जो भी आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, बस उसको चेंज करना है प्रोडक्ट को। काम तो वही करना है ना, जैसे ही नहा रहे थे वैसे ही नहाना है, जैसे ही ब्रश करते थे वैसे ही ब्रश करना है, जैसे ही चाय पी रहे थे वैसे ही चाय पीनी, लेकिन प्रोडक्ट चेंज करने। तो प्रोडक्ट्स का यूज चालू कीजिए, आपको अच्छा लगे लाइक करिए और इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करिए। हम फेसबुक या सोशल मीडिया में भी यही करते, मैं और आप अगर फ्रेंड हो तो मैंने एक अगर पोस्ट की तो आपको अच्छी लगी तो लाइक करते हो, ज्यादा अच्छी लगी तो आप आपके वॉल पे शेयर करते हो। वही काम हमें यहाँ पे करना है, लेकिन ये काम करते हुए भी हमें पैसा मिलने वाला, हम इनकम करने वाले, ऐसी इनकम जो आपने कभी देखी नहीं होगी। यस, कैसे मिलेगी? देखिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि आज इंडिया में, मतलब मल्टी कंट्रीज में काम करने के बावजूद इंडिया में उन्होंने 30 रुपीज का 1 पॉइंट वैल्यू बनाया, 9 टाइप्स ऑफ इनकम, 10 to 20% रिटेल डिस्काउंट, 5 to 11% परफॉर्मेंस बोनस, 4% आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, 14% आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, 16% लीडरशिप बोनस मिलेगा, 5% ट्रैवल फंड मिलेगा, 5% आपको कार फंड मिलेगा, 3% हाउस फंड मिलेगा और 2% इलाइट क्लब बोनस। ये 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिलेगा। इसके साथ में आपको हर महीने हर परचेस के ऊपर 10% प्रोडक्ट फ्री और लॉयल्टी बेनिफिट, ये सब कुछ बेनिफिट मिलने वाले। अभी यूज करते हो जब आप, एक एग्जाम्पल पे तौर पे पढ़ता हूँ, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे, किसी के घर में कम खर्चा हो सकता है, किसी के घर में ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ता हूँ तो हर घर में मुझे लगता है 5,000 रुपए का खर्चा तो मिनिमम होता ही है, बराबर सही। यस, मिनिमम 5,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। अब जब है हम ये दुकानों से लाते थे, कितना परसेंट बेनिफिट हमें? ज्यादा से ज्यादा 2 से 5%। लेकिन यही खर्चा जब आप वेस्टेज के साथ करते हो, तो जो मैंने बताया था कि ये 10 to 20% का आप पकड़िए, 15% अप्रोक्स, 5% आपको कैशबैक मिनिमम मिलने वाला है, 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और ये लॉयल्टी बेनिफिट के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी कहती है कि 30 रुपीज का 1 पॉइंट है, अगर आप 100 PV समझ में नहीं आए तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उनकी उनसे वापिस से ये समझ लीजिए। ओके, तो 100 PV का परचेस अगर आप इसका रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो 3,000 से लेके 3,200 रुपए का, मैं यहाँ पे 5,000 रुपए का बता रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि यह खर्चा तो हर महीने होने वाला है। ये अगर आप
4 मंथ्स रेगुलरली कर रहे हो कंपनी के साथ, तो 5th मंथ में आपको 3000 MRP के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। अभी कैलकुलेशन कम नहीं ज्यादा का पकड़ो, 3200 रुपए से आप कैलकुलेट करोगे 4 महीने का, तो ये अमाउंट आएगी 12,800 रुपया। 12,800 को अगर आपको 3000 MRP के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, तो इसका बेनिफिट अगर आप काउंट करते हो तो लगभग 23 या 24% आएगा। कट टू कट नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, यहाँ पे मैं 20% पकड़ता हूँ। अभी हर व्यक्ति देखिए 15%, 5%, 10% और 20% इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल लगभग बेनिफिट हो जाएगा 50%। आज आपको 50% बेनिफिट मार्केट में मिल रहा है क्या? नहीं, पहली बात तो 2 से 5% मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो बेनिफिट मिल रहा है। और यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये अगर आपको बेनिफिट अच्छा लग रहा है तो आपके पहचान में पूरी दुनिया में नहाने वाले कितने लोग हैं जिनको हम ये बेनिफिट दिला सकते हैं, क्योंकि हमें किसी और की मदद करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अभी आज आप जहां पर भी हो, अगर मैं आपके पास में हूँ, मुझे आपके एरिया में कुछ पता नहीं है और मैंने पूछा, तो क्या मुझे आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? ऑब्वियस बताएंगे। मैंने पूछा आपको कि आपके सिटी में अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अच्छी ज्वेलरी की शॉप कौन सी है, आप मुझे बताएंगे या नहीं बताएंगे? अपने आप से पूछिए इन जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर उनके आंसर यस है तो ये भी हमें आसानी से बताने के लिए अच्छा लगेगा। और ये अगर आप बताते हो तो जो आज मैं महसूस कर रहा हूं, मेरी वजह से किसी और के घर में पैसा जा रहा है, मेरी वजह से किसी और के सपने पूरे हो रहे, ये आपके साथ भी हो सकता है। यस दोस्तों, थोड़ा फास्टली करूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो एकदम बिल्कुल भी इजिएस्ट वे से समझाऊंगा। बेनिफिट तो आपको पता चल गया, मिनिमम 50% बेनिफिट आपको डे 1 से मिलना स्टार्ट होगा। और आगे जाके क्या होगा, देखिए आपने एक कुछ लोगों को बताया, उसमें से एक एग्जाम्पल पे तौर पे मैं बताता हूँ कि आपने आपके ब्रांचेस खोलना स्टार्ट किया, जैसे आपने बताना स्टार्ट किया, आपके ब्रांचेस खोलना स्टार्ट किया, जैसे येवले ने किया था, आपने आपके फ्रेंचाइजीज खोलना स्टार्ट किया, शुरुआत में 10 लोगों ने आपके साथ आए, उनके घर में भी जो खर्चा हो रहा है 5,000 का, वो खर्चा यहाँ से किया, आपका टर्नओवर बन जाएगा 50,000 का। आपने कितना किया? सिर्फ 5,000, जो आपके घर में होता है वही किया है, उससे ज्यादा हमें करना नहीं है, एक्स्ट्रा एक भी प्रोडक्ट लेके। अगर ये करते हो आप सोचिए 5, 8, 10, 11, ये 8% पे आप चले जाते हो, आपका इनकम बढ़ता है। और इसमें अप्रोक्स में बताऊं 4 से 5 हजार रुपये आपका पार्ट टाइम इनकम जनरेट होगा। जितने भी आज जॉब कर रहे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इनकम 4 से 5 हजार बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 से 2 साल, सही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, खुद शॉप चेंज किया, और यही शॉप चेंज करने के लिए 10 लोगों की मदद की, और उनको भी जो 50% बेनिफिट आपको मिला वही बेनिफिट उनको भी मिलने वाला है, और आपका टर्नओवर बढ़ेगा और आपकी इनकम भी आएगी। अभी आप सोचिए ये जो 10 लोग आपके साथ आए हैं, उनको भी 50% का बेनिफिट हो रहा है, उनको भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर अच्छी लगी तो इनके पहचान भी कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे, तो हमें बस उनकी मदद करनी है, ये 10 लोगों को, उनके 10 10 लोगों, तो जो भी वो बना रहे, एक कैलकुलेशन कीजिए जाए इसके लिए, मैं ये ले रहा हूँ, आप कितने भी बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपका नेटवर्क 100 लोगों का बन जाता है, हर घर में 5,000 रुपये का खर्चा होता है, वो पकड़ेंगे तो टर्नओवर होगा आपका 5 लाख का, और जब आपका 5 लाख का टर्नओवर होगा 45 से 50 हजार रुपये आपका पार्ट टाइम इनकम जनरेट होगा। अभी आप मुझे बताइए 45 से 50 हजार रुपये से हमारी इनकम बढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? आपके ही प्रोफेशन में, आप जो भी अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में ही 50,000 से इनकम बढ़ने के लिए कितना समय लगेगा पता नहीं है? आज बिजनेसमैन को जाके पूछिए कि ये इनकम बढ़ने के लिए क्या करना होगा, वो बताएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझने वाली बात है दोस्तों। यस, आगे चलते हैं। बस ऐसे ही 100 लोगों को हम मदद करेंगे, उनके कुछ लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए, तो आपका जाहिर है 1,000 लोगों का नेटवर्क बनेगा। हर घर में जो खर्चा हो रहा है 5,000 का, वो करते रहोगे, हर घर में होगा 50 लाख का टर्नओवर बनेगा, और अंदाजा आपकी 4 से 5 लाख रुपए की इनकम बनेगी आने वाले 2 से 3 साल।
ये मैं आपको लॉटरी नहीं लगा रहा हूं कि आज आपने लगाई कल लग गई। यस ऑब्वियस, ये ऐसा एक बिजनेस में बता रहा हूं जो आपको पार्ट टाइम से शुरू करते हो और आने वाले 2-3 साल या 5 साल के अंदर ये आपकी मंथली इनकम होगी। इस पर मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं वो खुद महसूस कर रहा हूं। आज हमारे जो मेंटर है मकरंद एन अश्विनी, वो 2 लाख से ऊपर बना रहे। साधना एन विजय जगदाल है, उनका 2.5 लाख से ऊपर इनकम है। एकनाथ एन संगीता कुंभार, उनका 3 लाख से ऊपर इनकम है। श्री सेबेस्टियन सर, सबका इनकम आज लाखों में। आने वाले एक ही अगले महीने में, मार्च एंडिंग तक, मेरा इनकम भी आप देखोगे 1 लाख रुपए क्रॉस करेगा। तो जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज आपको भी बता रहे हैं कि सिर्फ ये करने से आपके साथ होगा। बस एक ही चीज है, प्रेजेंटेशन इससे आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशंस में जाओगे, कैलकुलेशंस में हमें उतने मार्क नहीं मिलते। बस समझ लीजिए कि फायदा हो रहा है और लोगों का भी फायदा कर रहा है। किसी भी पैसा नहीं भरना है। दूसरी बात मैं कहूंगा, लेके जाऊंगा पहले टॉपिक के ऊपर, जितने भी नए लोग या जो भी मतलब नए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे, एक ही चीज ध्यान रखो, 2 पॉइंट जो मैंने पहले बताए थे, जो ड्रॉबैक्स मैंने बताए थे लेफ्ट और राइट में, मैं वापस उस पॉइंट पे लेके जाता हूँ। आपने जो ये नेटवर्क बनाया है, क्या आपने इनको काम पे रखा है? नहीं तो क्या किया है? उनका टाइम हमारे टाइम से जोड़ दिया है। अगर ये 1,000 जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं वो हर दिन 2 घंटे भी काम कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपके लिए 2,000 घंटे का समय दिन का होना स्टार्ट होगा। आज आपके पास कितना है? 24। 24 से ज्यादा टाइम बढ़ा या नहीं बढ़ा? ऑब्वियस। और क्या दूसरा रीजन मैंने बताया था, जो काम हम कर रहे हैं, काम करेंगे तो पैसा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, जब आपका 3 से 5 सालों के अंदर अगर आपका 1,000 लोगों का नेटवर्क बनता है, तो इसमें से आप खुद को माइनस कर लीजिए, तो कितने लोग बचे? क्या ये लोग नहाएंगे धोएंगे नहीं आप ना होने की वजह से? अगर आप मतलब 1 महीने से ध्यान नहीं दे रहे हो, फॉरेन ट्रिप के लिए गए, तो ये लोग क्या बोलेंगे? आप नहीं है तो हम नहाएंगे नहीं, ऐसा होगा? क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम एफएमसीजी सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं। और आज आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन ये सेक्टर कभी भी बंद ना होने वाला सेक्टर है। तो डेफिनेटली ग्रोथ, कितना भी रिसेशन आए तो भी इनकम, ये सब कुछ मिलता रहेगा दोस्तों। यस, हमारे ऐसे ही एक दोस्त है जो कुछ महीनों पहले हमारे साथ रात में बैठे थे और सुबह उनका देहांत हुआ, और उनकी पूरी स्टोरी हमने सुनी एक एफआरयू फंक्शन में, जिस एफआरयू की वजह से मेरी भी जिंदगी बदली। उसमें हमने महसूस किया कि उनका वो जाने के बाद में इनकम लाख रुपए बढ़ गया। तभी मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ हूं। तो आपको भी लगता है कि आने वाले समय में आपके साथ भी टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें अगर आपको चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसका हाथ थाम लीजिए और उनसे पूछिए और क्या करना है। यस, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो सिस्टम हमें क्या सिखाती है। आज ये विनिंग टीम का स्टार्टर पैक है दोस्तों, ये स्टार्टर पैक को आप समझेंगे, इसमें कुछ बुक्स है वो पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी जिंदगी इससे बदल सकती है। कुछ चीजें, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, हमारा जो भी, ये सब कुछ हमें विनिंग टीम एक बता दी है। आज हमारा पूरा कैरेक्टर सुधारती है। तो विनिंग टीम के साथ में आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, विनिंग टीम वेस्टिज के चैनल पे जाके आप इंफॉर्मेशन लीजिए, स्टार्ट करिए इस बिजनेस को, और आने वाले आपके लाइफ में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाइए। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू सचिन सर। यस।